घमासान.com के खास कार्यक्रम दे धनाधन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम आपको बताएंगे कि देश भर में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण को लेकर क्या तूफान मचा हुआ है, आखिर क्या कारण है कि किस तरह के लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं और किन को देना चाहिए, क्या इसका राजनीतिकरण हो गया है। हमने इसके कई कारण तलाशे लेकिन फिर ऐसा लगा कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो इस के लायक थे या यूं कहें कि इसकी दौड़ में शामिल थे। आज हम आपको मैं एक इंदौर की एक ऐसी हस्ती से मिलाते हैं जो योग गुरु कहे जाते हैं, कृष्णा मिश्रा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जो पद्मश्री को लेके इस बार आपने आवेदन भी किया था और कई सालों से आप सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर आपने अपने आप को योग्य समझा और उसके बाद जब पुरस्कारों की घोषणा आई तो उसमें आपका नाम नहीं था, क्या कहना आपका इस बारे में, आपने क्यों आवेदन किया था? राजीव जी, सर्वप्रथम तो आपको बधाई अच्छे आपके स्टूडियो की। दूसरी बात, मैंने आवेदन नहीं किया था, ताकि मैं बता दूं आपको थोड़ा, मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया था और मुझे बाद में पता लगा जब कलेक्ट्रेट से फोन आया कि आपका नाम नॉमिनेट हुआ है। बेसिकली मैं तो पद्मश्री क्या होता है आई वॉज नॉट अवेयर, बट डिटेल में बाद में आया कि पद्मश्री अवार्ड जो चौथा हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ नागरिक अवार्ड होता है, उसमें पहली चीज ये है कि अवार्ड किन लोगों को दिया जाए, किस सेवा के लिए दिया जाए, इसके लिए उनके कुछ मापदंड चुने हुए हैं। जहाँ तक 10 लोग शामिल थे इंदौर से, उन 10 लोगों में से किसी का नाम नहीं आया और एक डॉक्टर हाडिया जी जो वाकई डिजर्व करते हैं उनका नाम आया। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि पद्मश्री अवार्ड है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, ये सब अवार्ड के लिए काम नहीं करता। कोई इंसान ऑटोमेटिकली काम करता रहता है, अवार्ड अपने आप बनते हैं। लेकिन हाँ, मैं पूर्णतः आपसे सहमत हूँ राजा जी कि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण जरूर जरूर हुआ है और जो लोग सेवाभावी हैं, जो काफी समय तक सेवा कर रहे हैं और अनकंडीशनल निस्वार्थ, इस भाव से नहीं कि हमें कोई पद्म अवार्ड मिले, निस्वार्थ काम करे जा रहे हैं, भली गांव हो, बस्तियां हो, छोटी छोटी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को उपेक्षित कर किसी ऐसे समृद्ध लोगों को पुरस्कार दिया जाता है जो उसका सम्मान तक नहीं करते, तो इस पर कहीं ना कहीं मुझे चयन प्रणाली पर खेद प्रकट होता है। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि ये जो सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं उनसे आवेदन बुलवाने की बजाय सरकार को खुद एक अपनी एजेंसी के माध्यम से ये पता करना चाहिए कि समाज में वास्तव में कौन लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं सरकार उनको आगे बढ़ के ऐसे पुरस्कार से जब नवाजेगी तो उसका महत्व ज्यादा होगा? सामान्यतः प्रदेश, हम प्रदेश के स्तर पर देखें तो प्रदेश के स्तर पर प्रदेश के पुरस्कार मिलते रहते हैं, जो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, और उन प्रदेशों के ऊपर जो उनको पुरस्कृत हुए हैं उसके आधार पर उनका चयन होता है पद्मश्री। ये बात सही है आपकी, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जब हम सामाजिक क्षेत्र में ईमानदारी से जब काम करते हैं तो क्या सरकार का ये दायित्व नहीं है कि सरकार सीधे इस मामले में करे, जैसे भारत रत्न में किया जाता है? मेरा सवाल सीधा ये है कि क्यों पद्मश्री या पद्म विभूषण या पद्म भूषण के लिए आपको आवेदन करना पड़े? सर, पूरा हिंदुस्तान है, इतने प्रदेश हैं, हम पूरा सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते, लेकिन मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि अभी ऑनलाइन इन्होंने चयन प्रणाली हल्के प्रदेश को हटा के केवल ऑनलाइन प्रणाली से 55,000 फॉर्म्स 2019 पद्म अवार्ड में आए, जो गत वर्ष के कहीं ना कहीं 122 गुना अधिक थे। तो कहीं ना कहीं हमें लगे कि इंसान को जवाबदारी भी मिलती है, अपने आप बढ़ता है। हाँ, उसकी चयन प्रणाली पर कि चयन किस प्रकार से किया जाए इसके ऊपर सरकार पूरा सोच सकती, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सोच है। किस तरह से आप सामाजिक क्षेत्रों में जब काम करते हैं तो आप देखते हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं, पूरे देश में जो संस्कृति का कबड़ा हुआ है, या यूं कहें कि भारतीय आचार विचार उत्सव ये सब कम होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी इस दुनिया में है, तो आखिर किस तरह का आप अनुभव है? सब पाश्चात्यकरण हो रहा है, जैसा आप सब जानते हैं हमारे धर्म हमारी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्यकरण हो रहा है, विदेशियों को फॉलो करा जा रहा है। आज हमारे दिवाली धनतेरस उस प्रकार से नहीं बन रही जो वैलेंटाइन डे और दूसरे डे बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको अपने आप से भी बात करना होगी कि
क्या हम हमारी संस्कृति के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या हमारे त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या हम विदेशी लोग जो कि हमारे योग, हमारी संस्कृति, हमारे वेद, वेदों के ऊपर काम कर रहे हैं और आज उनकी संस्कृति हम स्वीकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नागरिक स्वयं भी इसके लिए जिम्मेदार है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार करने वाले अपराधी जब जेल पहुंच जाते हैं और जेल में जब उन कैदियों के बीच आप पहुंचते हैं, तो क्या कारण है कि आप उन कैदियों तक पहुंचते हैं, और दूसरा ये बताइए कि उनके बीच जाकर आपको कैसा अनुभव होता है? सामान्यतः मेरी सोच रही कि जो समाज के द्वारा उपेक्षित वर्ग है, यही विचार मेरे को ऊपर वाले ने दिया कि उनके लिए मेरा काम करने का, जिसमें एक प्रमुख है कैदी भाई, जो एक बंदी को देखते से ही आदमी को लगता है कि अरे भाई बेकार आदमी है तो जेल में जाएगा, डर लगता है, लेकिन वह इंसान कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा अच्छे निकलते हैं अंदर। क्या ज्ञान की बात करें, हाँ एकाध तबका ऐसा होता है जो मंशागत जाता है, और एक तबका, एक विशेष तबका जो निर्दोष भी होता है, ना मंशागत उससे कुछ हो जाता है, तो मेरे को तो वही बंदे सब एक जैसे लगते हैं, बस हाँ उनके विषम समय में मैं अपना समय देकर उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करता हूँ। योग और ध्यान के क्षेत्र में जिस तरह से आप लगातार काम करते जा रहे हैं और लोग आपकी तरफ लगातार आकर्षित होते जा रहे हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी आप यहाँ से बैठ के या वहाँ जाकर जो ध्यान और योग की दिशा में काम कर रहे हैं, उसको करते हुए आपको क्या लगता है कि किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने हैं, क्या आखिर कारण है कि लोग सब कुछ होने के बावजूद परेशान हो रहे थे? राजेश जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सामान्यतः हर इंसान कुछ विषम दौर में आता है, परिस्थिति विषमता की आती है, तो सामान्यतः आपका समाधान वो दूसरों में देखता है, वो भले कोई ज्योतिष हो, कोई शरीर का छोटा सा हो गया डॉक्टर हो, या कोई टेरोट कार्ड रीडर हो, तो विषमता में आने पर वह उसका समाधान बाहर ढूंढता है। मेरा एक लक्ष्य है डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के माध्यम से कि इंसान को इतनी कुबत अपर वाले ने दी है कि स्वयं अपनी परिस्थिति को ठीक कर सकता है, वो भली ग्रहों संबंधित हो या शारीरिक कोई व्याधि संबंधित हो या कोई परिस्थिति विषम हो, पहले वह खुद अपने आप विश्वास करे। कहने वाले कहते हैं मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, तो जो श्वास संचालित कर रही शक्ति, वो शक्ति आप में मौजूद है, बजाय किसी और पर ध्यान देने के आप स्वयं इन शक्तियों का योग करके अपने जीवन को सफल बनाए और संस्कृति में बनाए। ऐसा कहा जाता है कि भारत के लोग तो बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, लेकिन विदेशी जो लोग होते हैं वो कम परेशान होते हैं, या उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह की होती है कि उनको कभी कोई परेशानी नहीं होती, फिर भी अब ये देखा जा रहा है कि विदेशों में योग की तरफ जो है लगातार ध्यान आकर्षित हो रहा है, उसका क्या कारण है? क्या होता है जिस जो चीज जिसके पास होती है उसकी वैल्यू नहीं करता, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सॉरी योग से समृद्ध हिंदुस्तान, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसकी वो वैल्यू करता है। अब मैं आपने बहुत अच्छी बात करी, बाहर के लोग, हिंदुस्तान के लोग एक समय तक अपने लिए जीते हैं और उसके बाद अपनों के लिए जीते हैं, विदेशों में अपनों वाला सिस्टम नहीं है, वो पूरा जीवन ही अपनों पे जीते हैं, बच्चा 18 साल का हो गया उसको फ्री कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो अंतर्भेद दोनों की संस्कृति में है, आज उन लोगों को अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चों को देखें, हम योग सीखें, हमारे मन को करें संचालित करें, हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और हम लोग जो हिंदुस्तानी लोग विशेषकर एक तबका वो छोड़कर उनकी संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि योग के अलावा और क्या साध्य है जिसके जरिए लोग अपने आप को फ्री महसूस करें, तनाव रहित महसूस करें, या यूं कहें कि काम के दौरान जो है वो पूरी ऊर्जा के साथ लगातार काम करते रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है राजेश जी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाना 1,00,000 गुना अच्छा है बजाय 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करने से, तो मैं गुजारिश करूंगा कि इसके माध्यम से कोई व्यक्ति के आप कैसे काम आ सकते हैं, उसको आप कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, अब इस पर दिमाग लगाए तो भगवान ऊपर वाला आपके हिसाब से काम जो चाहते हैं वो जीवन लेकर आपका लिए लेकर आएगा। लेकिन सामान्यतः हम हमेशा हमारी सीमितता हमारी सोच तक रखते हैं, हमारी इच्छाओं तक रखते हैं, हमारी पसंद नापसंद परिस्थिति तक रखते हैं, लेकिन हम कभी किसी और के जीवन में जाके उसके जीवन को टटोल कर उसकी आवश्यकताएं पूरी करने में दिमाग नहीं लगा जाए, जहाँ हमने हमारी आवश्यकताएं पूरी हो गई अपनी इच्छाओं के पीछे भागने की बजाय किसी और की आवश्यकताएं पूरी करने में दिमाग लगाया तो आपकी इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी होती जाएंगी। सामाजिक क्षेत्र में आपके काम करने के बाद एक बड़ा सवाल ये है कि कब वो क्षण आया जब आपको किसी की मदद करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, या किसी की मदद के दौरान
कोई ऐसा कारण सामने आया जिसके कारण आपको बहुत अधिक दुख हुआ? सर्वप्रथम तो मैंने स्वयं की मदद पहले की, मैं थोड़ा पास मेरा ऑपरेशन हुआ था, ब्रेन ट्यूमर का एक भाग पहले रिस्क हो गया था मेरे को, एक लकवाग्रस्त हो गया था। उसके बाद मैंने स्वयं की अपनी हीलिंग से अपने आप को ठीक किया और विषमता में जीवन गुजरा। फिर मैंने कहा, ये सोचा है हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं तो ये संदेश समाज में क्यों नहीं भेज सकते कि आपकी शक्ति जितनी दिव्य शक्ति है सब आप में मौजूद है। तो ये संदेश लेकर ही मैं निकला, क्योंकि विषमताओं से निकल के संघर्ष के साथ निकला हुआ व्यक्ति तभी किसी दूसरे के संघर्ष के साथ लड़ सकता है। जहां तक रही बात दुख की बात कि आपको ऐसा कोई शायद दुख आया हो, वहां मैं छोटी छोटी बातों में पहले बंदी भाई से बात करूंगा। केदी भाई बोलता है मुझको, एक बोले गुरुजी आप मेरी जगह होते तो आप भी यही होते हैं। हम कह क्या हो गया? बोले हम मील से आए, देखा माँ के सिर से खून बह रहा है, नीचे छोटे भाई की बीवी डंडा लेके खड़ी, आप क्या करते? मैंने कहा मैं उसको कुछ देर कंट्रोल करता परिस्थिति को निकल। बोले उसके बाद भी क्या करते? बोले मैंने अपनी भाई की बीवी को डंडा मार दिया, वो मर गई, मैं आ गया। तो कहीं ना कहीं प्रेम आत्मीयता ही उसका कारण बना उसको जेल में लाने का। तो कई चीजें दुख कर छोटे छोटे अज्ञान जो जिसमें सरकार की अहम भूमिका होनी चाहिए, अज्ञानतावश जो जेल में चले जाते हैं और जो भोले हैं, न जाने कितने भोले हैं, वो लोग सजा काट रहे हैं अंदर। तो मेरा पहला लक्ष्य है कि उन लोगों को राहत देना। जहाँ तक नहीं सुख दुख की बात, दुख तो होता है, जहाँ देखो दुख है और जहाँ देखो सुख है, ये सब कुछ आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। अभी भारतीय त्योहारों और संस्कृति की बात आपने की थी, तो क्या आपको लगता है कि जो खासकर युवा वर्ग है वो इनसे बहुत दूर होता चले जा रहा है, और इस दिशा में आप क्या कर रहे हैं? इस दिशा में बहुत अधिक कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम काम कर रही है। मैं शुरुआत करूँ गणेश उत्सव से। गणेश उत्सव आता है, 10 दिन हम गणेश जी को बिठाते हैं, सेवा करते हैं, आरती करते हैं, लड्डू बांटते हैं। उसमें आरती आती, अंधन को आग देत कोड़न को काया, हम बड़े गाते हैं। मैंने इस बार ही 13 सितंबर को सोचा कि यार क्या बात है, क्यों गाते हैं? आज तक हमने सुना नहीं कि गणेश जी स्वयं आकर या किसी को आग दे गए या किसी को काया दे गए। मैंने मतलब ये निकाला कि गणेश जी ये कह रहे हैं कि आप स्वयं गणपति बनकर कुष्ठ आश्रम में जाओ, अंधों के आश्रम में जाओ और वहां मदद करो। वो मेरे मन में आएगा विचार ऐसा फलीभूत हुआ कि मेरे साथ साथ मैंने इंदौर के कुष्ठाश्रम, अंधों के आश्रम, डिसेबल हाउस में काम किया, साथ ही मेरे साथ साथ 17 से अधिक शहर के देश के शहरों में भी काम हुआ और 3-4 विदेशों में भी काम हुआ। तो आपका कुछ सोच बहुत कुछ डिपेंड करती है कि आप किसी पूजा पाठ त्यौहार से आप क्या निकलते हो। मेरा मानना है हर त्यौहार कोई ना कोई एक मानव सेवा का संदेश देता है। हर त्यौहार में से कुछ ना कुछ मानवता के नाम जोड़कर जो असहाय लोग हैं उनके लिए आप कैसे मदद कर सकते हैं किसी त्यौहार के माध्यम से, भले राखी हो या होली हो दिवाली हो, जो लोग उपेक्षित रहते हैं आप अगर उनके जा सकते सेलिब्रेट करेंगे तो वाकई दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। एक बड़ी सामाजिक चुनौती इन दिनों ये देखने में आ रही है और समाज के अलग अलग वर्गों में बात भी हो रही है कि ये जो संयुक्त परिवार का सिस्टम हिंदुस्तान की ताकत था वो अब समाप्त होते जा रहा है और उसी के कारण लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ज्यादा संयुक्त परिवार बहुत अच्छा प्रश्न है, वो तो हमारे हिंदुस्तान का सपना देखा। आप खुद देखिए, आप एक समय था जब हमारे पिता अपने पिता का कर्जा चुकाते थे, आज के दौर में ऐसा हो गया कि इंसान को अपने माता पिता को रखने में दिक्कत होती। तो ये तो जैसा हमने शुरू में कहा था पाश्चात्य की तरफ हम लोग जा रहे हैं और एक तीसरे ब्लड की महिला आती है, वो एक नई सोच देती है, वो सोच केवल अपने पति और बच्चों तक सीमित रखती है नहीं कि ना कि पूरे परिवार तक, वो उसकी सोच ही कहीं ना कहीं ये संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। इसमें महिला पक्ष को अधिक सोचने वाली बात है। हमने बात शुरू की थी पद्मश्री के पुरस्कारों को लेकर और सरकार के रवैये को लेकर, मैं आपसे एक बार फिर यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो यदि आपको पुरस्कार नहीं मिलता है तो फिर क्या आप ये काम करना बंद कर देंगे? राठौर जी, ना मैंने इस अवार्ड मिलने के लिए मैंने एक सामाजिक सेवा का काम शुरू किया था ना बंद करूंगा। अवार्ड मिलना मतलब एक साथ की उपलब्धि है, इससे जितनी अवार्ड मिलने से खुशी नहीं होती इतनी आपकी आत्मिक खुशी को मैं ज्यादा महत्ता देता हूँ। रही तक बात पद्म अवार्ड की बात करी, मैं बड़ा दुख होता है मुझे कि पद्म अवार्ड किसी को मिला उसका तिरस्कार कर सकता है। 1854 से पद्म अवार्ड शुरू हुए, अभी तक 1840 टोटल अवार्ड दिए जा चुके हैं और 112 अभी अवार्ड दिए।
मैं न जाने कितने लोगों ने इस भारत के सम्मान को तिरस्कृत किया है, इसका भी हमें कहीं ना कहीं चिंतन के मोड डालना पड़ेगा कि क्या कारण है। अब एक मैं आपसे नामजद बात करूंगा कि सलीम खान जी, उनको जब मिला तो उन्होंने कहा आपने मेरी क्षमता है पहचान में बहुत देर कर दी, तो अवार्ड वापस दे दिया। गीता मेहता जी जो हाल ही में हुए, उन्होंने नहीं लिया कि राजनीतिकरण। तो कहीं ना कहीं सम्मान देने के पहले ये भी सोचा जाए कि वो व्यक्ति उसी सम्मान की सेवक वाकई उस भाव से स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण सवाल था कि पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मभूषण प्राप्त करने वाले, पुरस्कार लेने वाले वो सारी शख्सियतें कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में घूम जाती है। उनको एक बार सम्मान जो है मिल जाता है, लेकिन उसके बाद उनके ऐसा कोई आभा मंडल नहीं रहता है या उनकी कोई ऐसी महत्ता नजर नहीं आती कि वो उस पुरस्कार के पाने के बाद जो है समाज के लिए और ज्यादा कुछ काम कर सके। देखिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सोच है, जाते मेरा बनना कई लोग ऐसे, अभी डॉक्टर हडिया को पुरस्कार मिला है, इज वर्किंग सिंस लास्ट 30 ईयर्स फॉर द ईस्ट बेडिट। मैं इस बात से जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सोच है कि अवार्ड मिलने के बाद उसका कोई काम रुक जाता है, मेरा मानना है कि अगर कोई सकारात्मक दृष्टि से देखे तो अवार्ड की ओर मिलने से उसको एक उत्साह मिलता है और सरकार की तरफ से कि आप और काम करें, तो अधिक से अधिक काम करने का जुनून उसमें पैदा होता है। मेरा मानना नहीं कि अवार्ड मिलने से वो काम रोक दे या नहीं मिलने से भी काम रोक दे। देश के सबसे बड़े पुरस्कारों को लेकर आज हमने कृष्णा मिश्रा जी से बात की। हम इस तरह के सवालों को लेकर आम जनता के बीच पहुंचते रहेंगे। आप देखते रहिए ghamasan.com पर खास कार्यक्रम दे धनाधन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।